आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वामी जी। नमस्कार। जय सच्चिदानंद। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन सत्कार है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। इस स्टूडियो के अंदर एक ऐसी महान विभूति, विश्वविख्यात, कई देशों में जाकर के धर्म का प्रचार करते हैं और अपने आर्ट ऑफ द विजन और साइंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी के बारे में सारी चीज बताते हैं, वो आज हमारे बीच के अंदर है। ये हमारा सौभाग्य है और इन्होंने कितने कितने हमारे प्रश्नों का समाधान पूर्व के एपिसोड में दिया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी हर समस्या का समाधान दृष्टि दोष को मिटा करके दृष्टि को ठीक करने से मिलेगा। स्वामी जी, पिछले एपिसोड के अंदर हम खान पान की बात कर रहे थे, मांसाहार शाकाहार की अधूरी रह गई थी समय की अल्पता के साथ में। उसके साथ में एक चीज और जोड़ देता हूँ कि आजकल लोग व्यसन, शराब, भांग, गांजा और कितने स्मैक और कितनी कितने की तरह की चीज़ आती, मुझे तो उसके पूरे नाम भी ध्यान है, उसका उपयोग करते हैं, बाहर में जाते हैं, रात के अंदर पीते हैं और उसके अंदर नर मादा आपस के अंदर डांस करते हैं और क्या कहना चाहिए, अश्लीलता होती है। तो इन सब जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बिल्कुल एक तरीके से वर्जित है, फिर भी उसको किया जा रहा है मांसाहार के साथ जोड़ के। तो मैंने जो प्रश्न के साथ में और प्रश्न जोड़ दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप खुलासा करिए और हमारी संस्कृति का जो खान पान रहन सहन जो है आचार विचार है उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा एकदम संयमित कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। सबसे पहली बात यह, भारतवर्ष वो देश नहीं मगर एक संस्कृति है, जो संस्कृति पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता पहले भी रखती थी, आज भी रखती है और भविष्य में भी रखेंगी। ये भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है और इसके अंदर इंसान को जीवन जीने का रास्ता बताया है, आर्ट ऑफ लिविंग। हम कैसे अपना जीवन जी सकें, एक आदर्श जीवन, एक उत्तम जीवन, एक मुक्त जीवन, एक सुखी जीवन, एक समृद्ध जीवन हम कैसे जिए, उनके बहुत सारे रास्ते भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। कालक्रम के अधीन लोग पश्चिम संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने लगे, उनको लगा कि उस संस्कृति से मैं सुखी हूँ, मगर वास्तव में आज देखो भारतवर्ष के अंदर, पहले जमाने के अंदर घरों के अंदर साधन बहुत कम थे, खाने की चीज़ बहुत कम थी, कपड़े बहुत कम थे, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक साधन तो थे ही नहीं, हर व्यक्ति परिश्रम करके अपना जीवन जीती थी, वो आनंद से जीती थी। उनको अच्छी तरह पेड़ के नीचे नींद, खटिया में नींद भी आ जाती थी, परिश्रम से उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, उनका विचार भी अच्छा रहता था, किसी के प्रति वो बुरी भावना नहीं करते थे क्योंकि मेहनत करके कमाते थे, तो उसके अंदर कोई मलिनता नहीं थी। मगर आज लोग पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के लिए तड़प रहे हैं, तलस रहे हैं और ये संस्कृति को अपनाते अपनाते अपनी पांच इंद्रियों को उन्होंने व्यसन में डाल दिया। कान में ऐसा सुने जिससे उसकी मस्ती आ जाए, आँख ये देखे जिसके अंदर उसकी मस्ती आ जाए, आनंद आ जाए, नाक ये सूंघे जिसके अंदर पूरी गंदगी थोड़े समय के लिए दूर हो जाए, खाना ऐसे खाए टेस्टी खाए हेल्दी नहीं खाए, स्पर्श ऐसा करें जिसमें मोह भरा पड़ा हुआ है, जिसमें न प्रेम है सच्चा न इंसानियत है, ऐसे पांचों इंद्रियों के विषय में आम इंसान वेस्टर्न कंट्री के आधार से जी रहा है। चारों ओर से इंसान का जीवन एक प्रकार का
मैकेनिकल लाइफ बन गया है। आज इंसान जी रहा है तो पहले के अलावा आज उनके साथ बहुत सारे पैसे हैं, कपड़े हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक साधनों बहुत है, मगर आज इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, इंसान के अंदर मानसिक शांति नहीं है, इंसान के अंदर प्रेम नहीं है, इंसान के अंदर एक दूसरे के प्रति जो मानवता दिखनी चाहिए, प्रेम भावना दिखनी चाहिए, मैत्री दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है, क्योंकि आज लोगों की दृष्टि पश्चिमी संस्कृति के आधार पर भौतिक बन गई। हर व्यक्ति समझने लगा ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ऐसा पश्चिम की संस्कृति के आधार से वो समझने लगे। हालांकि मैं यही कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति का लाइफ पर्सनल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पैदा होने के बाद ही एक ही व्यक्ति को माता के पिता के प्रति अपना समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है। भाई बहन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है। पति पत्नी के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है। बच्चों के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है। परिवार के लिए समय देना पड़ता है, समाज के लिए समय देना पड़ता है, पड़ोसी के लिए समय देना पड़ता है, अपने मित्रों के लिए समय देना पड़ता है। तो इतना सारा आपका जीवन का जो समय है वो लोगों के लिए चला जाता है, और आप समझते हैं ये मेरी पर्सनल लाइफ है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये पर्सनल लाइफ पर्सनल कैसे हो सकती है? हाँ, हमारी अगर अंदर की लाइफ कहे तो पर्सनल हो सकती है, बाहर की लाइफ किसी की भी पर्सनल नहीं हो सकती है। बाहर की लाइफ एक दूसरों के साथ कर्मों के हिसाब से जुड़ी हुई है, और वही हिसाब को हमको संभाव से निपटारा करना है। तो ये हमारे जीवन की बहुत गंभीर समस्या है कि आज लोग पश्चिमी संस्कृति के आधार से पर्सनल लाइफ बोलते हैं। पर्सनल लाइफ जैसा नहीं है। हम जितना एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, मित्रों के साथ, पड़ोसी के साथ, राष्ट्र के व्यक्तियों के साथ जुड़े रहेंगे, इतना ही हमको आनंद आएगा। ये कोई काम नहीं है, ये कोई मजदूरी नहीं है, ये आनंद की बात है। आप एक बात सोचो, अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी फिल्म आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप कितनी बार देख सकते हो? एक बार, दो बार, पांच बार, दस बार, 25 बार देख सकते हो। बाद में क्या होगा? आप कंटाल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जड़ है ना। मगर मैं कहूँगा आप समुंदर को देखो, जिंदगी भर देखोगे आपको थकान नहीं लगेगी। पहाड़ को देखो थकान नहीं लगेगी, पेड़ को देखो थकान नहीं लगेगी। जो नेचर है इसको देखने में कभी थकान नहीं होती है। और दूसरी बात, इंसान के साथ जुड़े रहो, वो जीवित है, इसके अंदर परमात्मा है, तो उसके साथ डील करोगे तो भी आपको आनंद आएगा। कम से कम भले व्यक्ति के रूप में तो शरीर है ही, मगर अंदर परमात्मा भी है जो चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, अपना जीवन हो सके इतना कुदरती रूप से जिए, जिंदे व्यक्तियों के साथ जिए और जड़ के साथ गम जिए, और पश्चिम संस्कृति को भूल जाए और अपनी संस्कृति को उजागर करके अपना जीवन हम कैसे आदर्श बना सकते हैं, अच्छे इंसानियत वाला बना सकते हैं, परिश्रमी बना सकते हैं, बिना टेंशन वाला जी सकते हैं। कितना हमारा जीवन साधनों के पे कम आधारित है, कितना हम कम परिग्रहों से जी सकते हैं, उसी में हमारी भलाई है। हमारे हर महान पुरुष का एक ही सेंटेंस है, स्लोगन, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। तो कहने का मतलब ये, जीवन में सादगी होना हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आपका जीवन सिंपल रहेगा तभी आपके जीवन के भविष्य के लिए, उत्तम जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए कुछ सोचने का आपके पास समय मिलेगा, नहीं तो समय रहेगा नहीं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खान पान,
रहन सहन आचार विचार में भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए जो उपदेश दिया, उपदेश नहीं आपने लोगों को सही समझ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब हम हमारी सोसाइटी के जो मापदंड बन गए हैं, जिसके अब जो खल रहे हैं सबको, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करके उसका समाधान चाहूँगा कि आज हमारे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन में मान लीजिए कि एक ही स्टेज पर चार तरह के लोगों को बुलाया जाता है। एक पॉलिटिशियन है आपके जैसा, एक धर्मात्मा है, एक बहुत शिक्षाविद है जिसके पास में बहुत बड़ा ज्ञान है, और एक साइंटिस्ट है मान लीजिए, या बहुत बड़ा चीफ जस्टिस है, ऐसे को बुलाया जाता है। परंतु जब बात आती है समय के बंटवारा करने की या उसके पीछे उसको इन्वाइट करने की, उसको रिसीव करने की, तो लोग जो है पॉलिटिशियन एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, उसके पीछे, या कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला है, उसके पीछे भागते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं। और आपके जैसा जो कि इतना बड़ा अध्यात्म का ज्ञान दे रहा है, चीफ जस्टिस है बेचारा, शिक्षाविद है, महात्मा है, उससे कोई बात भी नहीं करते। हाँ करते होंगे एक दो, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। इन मापदंडों को हमें बदलना है। हम किसी राजनीतिक या कोई वो भी हमारे जैसा व्यक्ति है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस दी जा रही है उसको भी सामान्य बराबर का आप इम्पोर्टेंस दीजिए। इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ताकि समाज के अंदर ही जो मापदंड है वो सबके लिए एक से होना चाहिए, बताइए। तो आज हमारे समाज में लोग स्वार्थी बन गए हैं, बहुत गलत काम करते हैं, और इसीलिए वो समझते हैं गलत काम करते हैं तो छुड़वाने के लिए मेरे को पॉलिटिशियन काम में आएंगे, पैसे वाला काम में आएगा, गवर्नमेंट अधिकारी मेरे को काम में आएंगे, तो उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसको ज़्यादा साथ रहने की, उनके साथ रिलेशन रखने की हम सब कोशिश करते हैं। मगर ये मैं कहता हूँ ये अच्छा नहीं है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ और न ही विरोध करना चाहता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ आप खुद ईमानदारी से जिए, खुद ईमानदारी से जिए और दूसरों को जीवन में ईमानदारी से जीने की प्रेरणा बताएं। आपकी महानता किस में है? कोई लर्नेड व्यक्ति है, पढ़ी लिखी व्यक्ति है, कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई समाज सुधारक है, ऐसे आम लोगों की उन्नति के लिए जो जी रहा है, सोच रहा है, अगर उनके साथ आपका लगाव रहेगा, हो सकता है आपकी सोच भी इसी प्रकार से ढलती रहेगी और इंसान हो के आपके अंदर इंसानियत बनी रहेगी, प्रेम मैत्री और भाईचारा बना रहेगा और आपके अंदर एक प्रकार की लाइवनेस बनी रहेगी। मगर आप जैसे जैसे पॉलिटिशियन हैं, फिल्म कलाकार हैं, या तो जो लोग पैसे वाले हैं उससे ही जुड़ोगे, तो आपका जीवन क्या रहेगा? हर समय ये रहेगा कि मैं या तो बहुत पैसा वाला बनूं, मैं या तो ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ रहूं ताकि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं तो मेरे को हेल्प करेगा, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे बड़े नेता है, चाहे पैसे वाला है। तो इसमें मत पड़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको रिस्पेक्ट मत दो, रिस्पेक्ट दो, वो भी इंसान है, वो भी कलाकार है, वो भी पॉलिटिशियन है और वो भी समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। जो पॉलिटिशियन समाज के लिए जी रहे हैं, कलाकार भी समाज को मनोरंजन दे रहे हैं और पैसे वाला समाज के अंदर दान भी दे रहा है, तो मैं उसमें मना नहीं करता हूँ। मगर हमारा जीवन एक आदर्श और उच्च होना चाहिए और हम कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं ये पहले सोचो। क्या हम भौतिक चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम अपने आप में संसार बढ़ाना चाहते हैं या संसार को कम करना चाहते हैं? हम सादगी से जीना चाहता है या वैभवी जीना चाहता है? हम सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं या तुच्छ सोच से अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, अपने परिवार का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, अपने समाज का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं? आप जरा सोचो। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा सादगी सरलता है, उसमें ही हमारी महानता है, उसमें खुद की भलाई है, परिवार की भलाई है
और समाज के लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। और बाकी जो सब लोग हैं, चाहे उसको आप नेता कहो, चाहे उसको आप अभिनेता कहो, चाहे उसको आप पैसे वाला कहो, उनका रिस्पेक्ट करो मगर लिमिटेड, ज़रूरत होती है तब। मगर सोच हमारी धार्मिक, सामाजिक, पवित्र और चारित्रवान व्यक्तियों को फॉलो करने की होनी चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोसाइटी के मापदंडों में करेक्शन करने के लिए आपने सही और सटीक समाधान दिया। स्वामी जी अब हम थोड़ा जो आजकल जो धार्मिक पर्यावरण है उसकी भी समीक्षा करते हैं। बहुत से साधु है, सन्यासी है, महंत है और बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, और हमारे जैन धर्म के आचार्य को देखो, करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर, धर्मशालाएं, भोजनशालाएं सिर्फ उनके उपदेश से बन जाती है और वो बनाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका जो अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ द विजन है, इसका लिटरेचर मान लो 5-10 हज़ार का लिटरेचर है, उसके लिए भी बात कही जाती है, तो जो लिटरेचर है, जो हमारी शिक्षा की चीज, उसके लोग ध्यान नहीं देते और किसी के कहने से करोड़ रुपए भी दे देते हैं। और उसके बाद के अंदर जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे रियल दृष्टि में वो साधु नहीं है, वो कंचन कामनी से मुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कह करके वो पैसा जोड़ रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं और पांचों इंद्रिया की सब सुविधाओं का जो उपयोग कर रहे हैं, और उनका आकर्षण उन ऐसे लोगों की तरफ और सही चीज की तरफ जो सही दृष्टि है, सही सोच, जिसमें मैं कुछ करना नहीं, जैसे आपका आर्ट ऑफ द विजन है, अध्यात्म विज्ञान है, उसकी तरफ इतना आकर्षण नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षण है। ये थोड़ा भेद मिटना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं भाई कोई जिसकी मान्यता हो जहाँ जाए वो नहीं है, परंतु तो आदमी सही दृष्टि को तो पहचाने, सही दृष्टि दीजिए ऐसे भ्रमित लोगों। तो आज लोग क्या कर रहे हैं, मैंने पहले कहा लोग स्वार्थी हो गए, लोग सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, पूरा परिवार का भी नहीं सोच रहे, समाज का भी नहीं सोच रहे और राष्ट्र का भी नहीं सोच रहे, और ऐसे गलत सोच से इनका जीवन गलत रास्ते पर चल जाता है। आज समाज में बहुत सारी भिन्नता है। क्यों भिन्नता है? क्योंकि समाज के अंदर पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला बनता है और गरीब ज़्यादा गरीब बनता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है, पैसे वाले के पास लोग जाते हैं और काम करवाते हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। गरीब के पास जो काम करता है उनको कैसे कम पैसे में काम करवा जाए, अगर वो नहीं करेंगे तो हम दूसरे को बुला लेंगे। ऐसे करके गरीब लोग और गरीब बनते हैं, पैसे वाला और पैसे वाला बनता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि ये पाप और पुण्य का खेल है, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ हमको पाप पुण्य से ऊपर उठ के आगे बढ़ना चाहिए, आगे की सोचना चाहिए। क्या हम इसी चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं? हर धर्म के अंदर देखो धर्मगुरु क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं और पूरा वैभव समाज के पैसों से वो आनंद करता है, कंट्रोल करता है। तो जीवन के अंदर ऐसे धर्मगुरुओं के साथ हमको भी सोचना चाहिए कि आखिर धर्मगुरु पवित्र है, वो ज्ञानी है, वो सरल है, सहज है, तो उनके साथ ही हमको रहना चाहिए। जो पवित्र नहीं है, सरल सहज नहीं है, वैभवी है, उनके साथ हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी तो बुराई है और ऐसे साधु संत सन्यासी को बिगाड़ने में भी हमारा योगदान होता है, तो इसलिए हम भी जिम्मेदार होते हैं। तो समय की मर्यादा के अधीन बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये बात में आप जागृत रहिए, सोचिए, समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस एपिसोड के अंदर सामान्य व्यक्ति, सोसाइटी, सोसाइटी के मापदंड और सोसाइटी के अंदर जो हमारी खाई है अमीर गरीब की या जितनी विभिन्नताओं, उसके बारे में आपने सही सोच दी। धार्मिक जो हमारे सन्यासी हैं वो क्या कर रहे हैं, किसको पहचानना चाहिए, मतलब आपने कुल मिलाकर के सम्यक दृष्टि दी, सही दृष्टि दी। और वास्तव में जब हमें सही दृष्टि मिलती है तभी हमारे जीवन का निर्माण होता है, तभी हमारी अच्छी सृष्टि बढ़ती है। तो श्रोतागण,
हमारे जो भाई और बहनों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी किसी भी तरह का समाधान है वो आपको मिलेगा। और हमारा ईमेल आईडी है sohn.tatr@gmail.com पर आप प्रश्न कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर दिए हैं, उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, वो प्रश्न स्वामी जी के पास आएंगे और वो प्रश्नों का समाधान आप कोई भी जो ही यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से नहीं, सिर्फ सही दृष्टि, दृष्टि कौन सी, जो सनातन सत्य और कुदरत का कानून, दो बड़े मुख्य तत्वों के माध्यम से आपको हमारे आपको दृष्टि मिलेगी। आप श्रोतागण, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आप स्टूडियो में पधारे और हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमको भीतर का ज्ञान दे रहे हैं, हमारी अज्ञानता मिटा रहे हैं, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद करते थे। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज, अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं